Minimum 100 rupees investment, free HDFC VISA debit card, zero commission, zero charges. This is Tarrakki. ये केवल एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐप नहीं है, इसके थ्रू रिलायंस लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड में निवेश करके आपको मिलेगा एक लाइफ टाइम फ्री HDFC वीजा डेबिट कार्ड। कार्ड के लिए कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या फिर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। केवल इस ऐप के थ्रू केवल 100 रुपया निवेश करके आपको मिल जाएगा एक HDFC फ्री वीजा डेबिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए। बट रिटर्न कितना मिलेगा? किसी भी बैंक की सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने से 3.5% से मैक्सिमम 4% तक ही इंटरेस्ट मिलता है। बट तरक्की ज्यादा के थ्रू रिलायंस लिक्विड फंड के अंदर निवेश करने से आपको मिलेगा 7% की आसपास एवरेज रिटर्न। एंड यू कैन विद्रॉ योर मनी एनी टाइम, मतलब तरक्की ज्यादा आपको देता है बैंक जैसी फीचर्स विद ए डबल इंटरेस्ट रेट। जो भी है, आज की वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे तरक्की ऐप में नया अकाउंट क्रिएट करने की प्रोसेस, देन ऐप की फीचर्स के बारे में जानेंगे और आखिर में हम इन्वेस्ट करना सीखेंगे जिनसे हमें HDFC की फ्री डेबिट कार्ड मिल पाए। वीडियो की हर एक पार्ट की टाइमिंग स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप चाहे तो वीडियो स्किप करके किसी भी स्टेप में जा सकते हो, बट मेरा स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन रहेगा वीडियो स्किप ना करने की। सबसे पहले लेट्स क्रिएट ए न्यू अकाउंट ऑन तरक्की। वीडियो की डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट पे जाइए, आपको मिलेगा तरक्की ऐप की डाउनलोड लिंक। लिंक के ऊपर क्लिक करें। अब क्लिक करें इंस्टॉल बटन के ऊपर। लगता है ऐप डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मेरा नया व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। Hey everyone, I am Gaurav and you are watching Qdigita. You stand for quality content. जो भी है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटा या घंटी जो भी मिलेगा उसे बजाना जोर से। बातों ही बातों में डाउनलोड सक्सेसफुल हो चुका है, अब इसे ओपन करें। हमें नया अकाउंट क्रिएट करना है, इसलिए क्लिक करें न्यू यूजर के ऊपर। यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करें। उसके बाद आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हो यहाँ पे एंटर करना है, देन सेम पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिर से एंटर करना है। उसके बाद इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करें साइन अप बटन पे। फिर से OTP आएगा, उसे यहाँ पे डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करें। दोस्तों, अगर आपने कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, देन आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और भी ज्यादा सिंपल होने वाला है, और अगर आपने नहीं किया है, देन आपको एक दो एडिशनल स्टेप करना होगा। जो भी है, यहाँ पे आपको एंटर करना है आपकी पैन कार्ड की नंबर। किसी भी ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नियम है, इसीलिए यहाँ पे पैन नंबर एंटर करने के बाद क्लिक करें चेक नाउ के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा कुछ डिटेल्स आ चुका है जो कि मैंने छुपा के रखा है, क्योंकि कुछ चीज सीक्रेट रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नीचे आपको नॉमिनी डिटेल्स देना होगा, जिसको भी आप नॉमिनी रखना चाहते हैं उसके नाम यहाँ पे, और उसके साथ आपकी क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि मैं मेरा माँ को नॉमिनी रखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरी माँ की नाम एंटर करने के बाद रिलेशनशिप की जगह पे लिखा मदर, और आखिर में क्लिक किया नेक्स्ट बटन पे। देन यहाँ पे कंट्री नेम सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इंडिया पहले से ही सिलेक्टेड है, तो अगर आप इंडिया से हो देन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप दूसरी कोई कंट्री से हो देन वो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे आपकी बर्थ प्लेस या फिर जन्मभूमि की नाम एंटर करना है, देन यहाँ पे क्लिक करके खुद के हिसाब से खुद की सोर्स ऑफ इनकम सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया अदर। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपकी एनुअल इनकम कितना है वो खुद के हिसाब से सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप इंडिया से हो देन यहाँ पे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस क्लिक करें नेक्स्ट बटन पे। अब आपको एक बैंक अकाउंट ऐड करना है, जिस भी बैंक अकाउंट को आप ऐड करेंगे उसी बैंक अकाउंट को यूज करके आपको पेमेंट करना होगा म्यूचुअल फंड में निवेश करने की टाइम, और निवेश किया गया पैसा वापस लेने की टाइम भी आपको इसी ऐड किया गया बैंक अकाउंट के खाते में ही पैसा वापस मिलेगा। जो भी है, नया बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको क्लिक करना होगा पहला ऑप्शन ऐड न्यू बैंक अकाउंट के ऊपर। उसके बाद ऐसे ही एक स्क्रीन मिलेगा आपको भी, यहाँ पे क्लिक करके आपकी बैंक नेम सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको सेम बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा एंटर करना है। उसके बाद जो भी अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं उसकी IFSC कोड एंटर करें यहाँ पे। अगर आपको IFSC कोड मालूम नहीं है देन बैंक पासबुक चेक करें। तो सब कुछ सही से डालने के बाद क्लिक करें ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर।
बहुत बढ़िया, हमने सक्सेसफुली बैंक अकाउंट ऐड कर लिया है। अब क्लिक करें नेक्स्ट बटन पे। देन यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, जो कि दो तरह से किया जा सकता है। सबसे पहला है एक व्हाइट पेपर के ऊपर आपकी सिग्नेचर करके उसके एक पिक्चर ले सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके मोबाइल स्क्रीन पे टच करके भी डिजिटल सिग्नेचर किया जा सकता है। मैं डिजिटल साइन करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे क्लिक करके साइन करके क्लिक किया सेव बटन पे। कॉन्ग्रेचुलेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो चुका है। और एक बात, अगर आपने कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया है, देन आपको एक दो एडिशनल स्टेप देखने को मिलेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर देना होगा आपको, बहुत ही सिंपल है, आसान है। दोस्तों मुझे पता है वीडियो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा बन चुका है, क्योंकि मैं डिटेल में हर एक कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपसे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, देन एक लाइक तो बनता है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो भी है, अब हम जानेंगे इस ऐप की फीचर्स और इंटरफेस के बारे में। फीचर्स एंड ओवरव्यू ऑफ तरक्की ऐप। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तरक्की ऐप की होम स्क्रीन बहुत ही सिंपल है। सबसे ऊपर है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, देन यहाँ पे तरक्की ऐप की कुछ डिटेल्स दिया गया है। इनमें आपको डायरेक्ट प्लान मिलता है, इसके मतलब नो एजेंट, नो कमीशन, नो हिडन चार्जेस। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं ऐप कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, देन आई बटन पे दिया गया वीडियो आप देख सकते हैं। जो भी है, यहाँ पे दिया गया है इस ऐप की सबसे अट्रैक्टिव फीचर्स तरक्की ज्यादा, जिसके चलते आपको मिलेगा एक HDFC फ्री वीजा डेबिट कार्ड। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कुछ देर बाद, पहले जान लेते इस ऐप की बाकी सारे फीचर्स के बारे में। यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करने से और भी डिटेल में मिलेगा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इमरजेंसी फंड, टैक्स सेवर, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर फंड में निवेश करने की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज दिया गया है यहाँ पे। अगर स्ट्रेटेजीज के ऊपर डिटेल में वीडियो पाना चाहते हैं, देन नीचे कमेंट करें और आई बटन पे आपको एक पोल मिलेगा, आपको हाँ या ना कहना है। उसके अलावा इस ऐप के थ्रू आप गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट भी आप कर पाओगे। फॉर डिटेल यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे बहुत सारे गोल्स दिया गया है, घर के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, हॉलीडे, वेडिंग और भी बहुत सारे गोल दिया गया है यहाँ पे। आप इस ऐप की मदद से खुद के लिए गोल सेट करके उस गोल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर करके उस गोल को हासिल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। जो भी है, नाउ टाइम फॉर मेन हाईलाइट। अब हम जानेंगे तरक्की ज्यादा के बारे में, कैसे 100 रुपया निवेश करके HDFC फ्री डेबिट कार्ड मिल सकता है। डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे डिटेल में बोला गया है तरक्की ज्यादा क्या है। इसके थ्रू निवेश करने से आपकी पैसा इन्वेस्ट होगा रिलायंस लिक्विड फंड के अंदर। एक लिक्विड फंड होने के कारण इनमें रिस्क बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट जीरो, एकदम नाकी बराबर। जैसे कि आप देख सकते हैं रिलायंस लिक्विड फंड की NAV ग्राफ, और NAV ग्राफ से हमें पता चल रहा है इसकी वैल्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। पिछले एक साल में हमें इस फंड से 7.6% रिटर्न मिला है। पिछले 3 साल की एवरेज रिटर्न है 7.2%, पिछले 5 साल की 7.72%, और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से आज तक इनमें से 8.11% की एवरेज रिटर्न देखने को मिला है। तो इस चार्ट से हमें क्लियर आइडिया मिलता है कि रिलायंस लिक्विड फंड से 7% से ज्यादा रिटर्न मिला है हर साल। और बैंक पे कितना रिटर्न मिलता है, 3.5% या ज्यादा से ज्यादा 4%। मतलब बैंक की तुलना में तरक्की ज्यादा से हमें ऑलमोस्ट डबल रिटर्न मिल रहा है। और एक बात, एक इंस्टेंट रिडेम्पशन लिक्विड फंड होने के कारण आप जब चाहो इनसे पैसा विथड्रॉ कर सकते हो, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है इनमें, इनमें कोई एग्जिट लोड भी नहीं है, और केवल 100 रुपया से ही इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। बट इसकी बिगेस्ट एडवांटेज है, इनमें हमें मिलता है HDFC फ्री वीजा डेबिट कार्ड। इस कार्ड के लिए कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या फिर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चलिए एक नजर में हम देख लेते हैं तरक्की ज्यादा क्यों बेटर है सेविंग्स अकाउंट या फिर FD से। तरक्की ज्यादा और सेविंग्स अकाउंट दोनों के अंदर ही जब चाहे पैसा इन्वेस्ट भी किया जा सकता है और पैसा निकाला भी जा सकता है। बट फिक्स डिपॉजिट या फिर FD से मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसा निकालने पर पेनाल्टी या फिर चार्जेस लगता है। तरक्की ज्यादा और सेविंग्स अकाउंट पे डेबिट कार्ड मिलता है, बट FD पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। ATM विद्रॉल या इंस्टेंट विद्रॉल तरक्की ज्यादा और सेविंग्स अकाउंट पे मिलता है, एंड अगेन फिक्स डिपॉजिट या FD पे नहीं मिलता है।
तरक्की ज्यादा पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 100 रुपया और दूसरी साइट पे सेविंग्स अकाउंट पे 2000 से 10000 तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट रहता है और फिक्स डिपॉजिट पे भी 1000 से 10000 तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है। बट द मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज इंटरेस्ट और रिटर्न। तरक्की ज्यादा में पैसा रिलायंस लिक्विड फंड के अंदर निवेश होता है। इसकी ट्रैक रिकॉर्ड से हमें पता चलता है 7% से ज्यादा रिटर्न दिया है इस फंड ने और दूसरी साइट पे सेविंग्स अकाउंट पे 3.5% रिटर्न मिलता है और फिक्स डिपॉजिट या FD पे ज्यादातर बैंक में 6 से लेकर 7% की बीच में रिटर्न मिलता है और कुछ प्राइवेट बैंक में रिटर्न थोड़ा ज्यादा भी मिलता है बट दे हैव सम कंडीशन। तो सब कुछ कंपेयर करने के बाद मुझे लगता है तरक्की ज्यादा बेटर है सेविंग्स अकाउंट या फिर FD से। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन ज्यादा बेटर है नीचे कमेंट पे बताइए। दोस्तों और एक बात, तरक्की ज्यादा की डेबिट कार्ड पे एक लिमिट भी है, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की 50% ही डेली यूज किया जा सकता है। जो भी है लेट्स इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करने के लिए क्लिक करें इन्वेस्ट एंड सेव नाउ बटन के ऊपर। देन यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है। अगर आप केवल एक ही बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं देन पहला ऑप्शन लमसम इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आप हर महीना छोटा छोटा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं देन सेकेंड ऑप्शन SIP करना होगा। मैं 1x1000 rupees इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पे 1000 एंटर किया। आप चाहे तो मिनिमम 100 रुपया भी निवेश कर सकते हो। तो जितना भी रुपया आप निवेश करना चाहते हो खुद के हिसाब से एंटर करने की बात क्लिक करे इन्वेस्ट नाउ बटन के ऊपर। अब क्लिक करे ओके बटन पे। यहाँ पे सारे डिटेल्स रहेगा, आपको क्लिक करना है चेकआउट के ऊपर। अब क्लिक करें प्लेस ऑर्डर के ऊपर। यहाँ पे पेमेंट करने की ऑप्शन मिलता है, आपने जिस भी बैंक को ऐड किया है उसी बैंक की नेट बैंकिंग को यूज करके आपको पेमेंट करना है। इनमें डेबिट कार्ड या फिर UPI के थ्रू पेमेंट करने की कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि मुझे लगता है इस ऐप की सबसे बड़ा डाउन पॉइंट। जो भी है नेट बैंकिंग के थ्रू मैं पेमेंट कर लेता हूँ जल्दी से। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने बहुत ही आसानी से तरक्की ऐप की मदद से म्यूचुअल फंड में निवेश किया है बहुत ही आसानी से। अब 2 से 3 working days लगेगा इन्वेस्टमेंट कॉन्फर्म होने में, तो मुझे भी 2 से 3 days वेट करना होगा इन्वेस्टमेंट कॉन्फर्म होने के लिए और इन्वेस्टमेंट कॉन्फर्म होने के बाद ही आप HDFC की फ्री डेबिट कार्ड अप्लाई कर पाओगे। मेरा इन्वेस्टमेंट कॉन्फर्म ना होने के कारण डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है मैं नहीं दिखा सकता, बट कैसे करना है वो मैं कह देता हूँ। आपको होम स्क्रीन पे आके व्यू पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे तरक्की ज्यादा पे जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट अभी तक कॉन्फर्म नहीं हुआ है, बट कॉन्फर्म होने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिखाएगा, आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर डेबिट कार्ड के ऊपर। दोस्तों ये मेरा दोस्त की मोबाइल की स्क्रीनशॉट है, मेरा अकाउंट अप्रूव होने में 2 से 3 days बाकी है, उसके बाद इस वीडियो की सेकेंड पार्ट आने वाला है। जो भी है आपके मन में जितना भी क्वेश्चन कॉन्फ्यूजन जो भी है दिल खोलकर कमेंट पे बताइए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बड़ा लेंदी है इसलिए बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगा है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे मोटिवेशन करने के लिए एक लाइक कर सकते हो और अगर आपको पसंद नहीं आया तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आपके कोई दोस्त फैमिली मेंबर और कोई भी अगर म्यूचुअल फंड के ऊपर इंटरेस्टेड है देन उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, हो सकता है इनमें उसकी मदद हो जाए। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह की ट्रस्टेड लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियो देखना है देन इस चैनल को आपको सब्सक्राइब तो करना ही है और उससे भी ज्यादा जरूरी है बेल आइकन को बजाना, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम ही कुछ ऐसा है बेल आइकन को ना बजाने से मेरी ट्रस्टेड लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियो की इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको नहीं मिल पाएगा टाइम पे। जो भी है थैंक यू दिल से, हम मिलेंगे फिर से। कीप गोइंग कीप ग्रोइंग।